फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुजराती हांडवो। तो चलिए हम बनाते हैं हांडवो। हांडवो बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कप चावल, आधा कप तूर दाल, आधा कप चना दाल, आधा कप मूंग दाल, दो टेबलस्पून उड़द दाल, तीन टेबलस्पून दही लिया है और साथ में एक लौकी ली है। उसमें से आधी लौकी कद्दूकस करके लेंगे। एक बड़े साइज का प्याज छोटे टुकड़ों में काट के लिया है। गाजर कद्दूकस करके लिया है एक बाउल भर के, और साथ में थोड़े मटर, एक टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टीस्पून नमक, एक टेबलस्पून पीसी हुई हरी मिर्ची, एक टीस्पून पिसा हुआ लहसुन, दो टेबलस्पून तेल, दो टेबलस्पून तिल, हाफ टीस्पून हल्दी, एक टेबलस्पून राई और साथ में इनो और हरा धनिया बारीक काट के लिया है। सबसे पहले चावल और सभी दाल को दो तीन बार पानी से अच्छी तरह धो लेंगे और दो ग्लास पानी डाल के दो घंटे भिगने देंगे। चावल को अलग से भिगाएंगे और सारी दाल को एक साथ में भिगाएंगे। दो घंटे हो चुके हैं, दाल और चावल हमारे भीग के तैयार है। इसे हम मिक्सर में पीस लेंगे। दाल और चावल को हमने इस तरह पीस के लिया है और अब हम सारे वेजिटेबल्स डालेंगे। उसमें हम दूधी डालेंगे, दूधी यानी लौकी, और कद्दूकस किया हुआ कैरेट, गाजर, प्याज, मटर, हरा धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, हल्दी, पीसी हुई हरी मिर्ची, पीसा हुआ लहसुन और दही डालेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बैटर हमारा बनके तैयार है। इसे हम एक बाउल में निकालेंगे। इसमें हम हाफ टी स्पून इनो डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हांडवा बनाने के लिए हमने एक फ्राइंग पैन में दो टेबलस्पून तेल लिया है। उसमें हम हाफ टी स्पून मोरी डालेंगे, मोरी यानी राइस, और साथ में एक टेबलस्पून तिल डालेंगे और ये बैटर डालेंगे। इसे मीडियम आंच पे 5 से 7 मिनट तक ढक्कन लगा के होने देंगे। हांडवा हमारा एक साइड से बनके तैयार है। इसे हम टर्न करेंगे, दूसरी साइड से भी ढक्कन लगा के 3 से 4 मिनट तक होने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन खोल के देखेंगे। हांडवा हमारा बनके तैयार है। इसे हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। हांडवा हमारा बनके तैयार है। इसे हम पिकनिक में भी लेके जा सकते हैं और हांडवा को हम दही और अचार के साथ खा सकते हैं। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।